मोर धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह एक मध्यम आकार का रंगीन पक्षी है जो तीतर परिवार से संबंधित है। आपको बता दें, इसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। यह एशिया का मूल निवासी है और मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा आदि देशों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पक्षियों के राजा मोर के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। आपको बता दें, मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनके पंखों का फैलाव 4.9 मीटर के आसपास होता है। मोर के उड़ने की रफ्तार 10 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। नर मोर को पीकॉक कहते हैं, मादा मोर को पिहेन कहा जाता है। मोर सामूहिक रूप से पी फॉल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी सन 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। धुमैरा मोर म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। आपको बता दें, मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाले पक्षी है। मोर उड़ सकते हैं लेकिन केवल सीमित दूरी तक। शिकारी से बचने की कोशिश में या रात में पेड़ की ऊंचाई में सोने के लिए ये मुख्यतः उड़ान भरते हैं। मोर खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। इन्हें निवास के रूप में ऐसे क्षेत्र पसंद है जो उन्हें पौधों और कम ऊंचाई के पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। इस तरह इनके लिए भोजन प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये वर्षावनों और झाड़ियों में भी पाए जाते हैं। अगर मोर के खाने की बात करें तो मोर सर्वाहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से अनाज, घास, फल पत्ते, बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ, कीड़े, दीमक, टिड्डियों, चूहे, छिपकली, सांप आदि खाते हैं। मोर की चोंच की लंबाई लगभग 1 इंच होती है। आपको बता दें, नर मोर आकार में मादा से दुगुना होता है। मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मोरनी का वजन लगभग 2.75 से 4 किलोग्राम तक हो सकता है। जंगल में पाए जाने वाले मोरों का जीवन काल शिकारियों और कठोर मौसम के कारण लगभग 20 वर्ष की आयु तक सीमित रहता है, जबकि चिड़ियाघर या अन्य सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 50 वर्ष का होता है। नर मोर के सिर पर मुकुट के समान खूबसूरत कलगी होती है। साथ ही साथ इसके रंग और आकार में प्रजातियों के अनुसार भिन्नता हो सकती है। आपको बता दें, मोर की पूंछ उसकी पूरी लंबाई का 60% हिस्सा बनाती है। नर मोर की पूंछ रंगीन और सुंदर होती है। यह लाल, सुनहरे और हरे रंग के पंखों से बनी होती है और इसमें खूबसूरत छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचना होती है, जिसे अलग अलग कोणों से देखने पर इसका रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। मोर की सुंदर पूंछ को ट्रेन कहा जाता है। नर मोर मादा की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं। इनके सुंदर पंख और सुंदर लंबी पूंछ होती है। मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती है। इनका गेहुआ चेहरे भूरे रंग की कलगी के साथ साथ धात्विक रंग का ऊपरी भाग होता है। मोर के समान इनकी सुंदर लंबी पूंछ नहीं होती। आपको बता दें, मोर के पंखों के लिए इनका शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। ये गर्मी के मौसम में खुद ब खुद अपने पंखों को झड़ा देते हैं। मोर की आँखों के ऊपर और नीचे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। एक मोर के पैरों में 4 उंगलियां होती है, जिनमें से 3 आगे की ओर और 1 पीछे की ओर पॉइंट करती है। उंगलियों की ऐसी संरचना मोर के लिए शाखाओं को पकड़ना और पेड़ों में घूमना आसान बनाती है। मोर के दौड़ने की औसत रफ्तार 10 मील प्रति घंटे यानी 16 किलोमीटर तक होती है। आपको बता दें, मोर समूह बनाकर रहने वाला पक्षी है। यह अकेला रहना पसंद नहीं करता। इनके समूहों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। मोरनियों के समूह को बेबी कहा जाता है। इसे पार्टी या मास्टर भी कहा जाता है।
मोर और मोरनियों के संयुक्त समूह को हरेम कहा जाता है। नर मोर एक से अधिक मादाओं से संबंध बनाते हैं। इसके लिए नर मोर एक समूह बनाते हैं जिसमें 2 से 5 मादा होती है। आमतौर पर मोरनियाँ संभोग के लिए अपने साथी का चुनाव आकार, रंग, पंखों और पूंछों की सुंदरता देखकर करती है। प्रजनन काल के समय नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करती है। मोरनी का प्रजनन काल जनवरी और मार्च के मध्य होता है। आपको बता दे, ये एक बार में 3 से 6 अंडे देती है। अंडे सेने का काम मादा ही करती है। 28 दिनों के बाद अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। जन्म के समय मोर के बच्चों का वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। बच्चे जन्म से ही चलने फिरने और खाने पीने में सक्षम होते हैं। नर मोर जन्म के बाद 6 माह तक दिखने में मादा मोर की तरह ही होते हैं। 6 माह के बाद उनमें बदलाव आने लगते हैं। उनकी कलगी और पूंछ 3 वर्ष के बाद आती है। आपको बता दें, मोर एक आक्रामक पक्षी है और अपने क्षेत्र में अजनबी या यहाँ तक कि नए नर मोर के प्रवेश को भी मंजूरी नहीं देता। मोर में एक अजीब व्यवहार भी होता है। ये जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं और पेड़ों की ऊंची डाली पर बैठते हैं। मोर 11 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता है। इसकी आवाज कर्कश होती है। बतख और अन्य पक्षियों के विपरीत मोर पानी में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही तैर सकते हैं। उनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहने में सक्षम होते हैं, लेकिन पानी में तैरने वाले अन्य पक्षियों की तरह झिल्लीदार पैर न होने के कारण ये पानी में तैर नहीं सकते। आपको बता दें, हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख सजा होता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में मोर को देवी हेरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्राचीन यूनान में लोग मोरनी को अमरता का प्रतीक मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मोरनी का शरीर मरने के बाद भी नहीं सड़ता है। बेबीलोन वासी मोर को अपना संरक्षक मानते थे। मोर ईसाई धर्म में चिरस्थायी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य समाज का राष्ट्रीय चिन्ह मोर था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रचलित सिक्कों में एक और मोर की आकृति अंकित होती थी। प्राचीन काल में मोर पंख का इस्तेमाल लेखनी के रूप में भी किया जाता था। इसे स्याही में डुबाकर लेखन किया जाता था। आपने कई फिल्मों और सीरियल्स में जरूर देखा होगा। मुगल बादशाह शाहजहां की राजगद्दी को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। आपको बता दे, ताउस अरबी भाषा का शब्द है जो मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तख्ते ताउस में 2 मोरों के बीच तख्त निर्मित था और पीछे की आकृति पंख पसारे मोर की थी। बाइबिल में भी मोर का जिक्र मिलता है। राजा सुलेमान द्वारा जहाज में लादकर कई मूल्यवान चीजें ऐसे से बाहर ले जाई गई थी जिनमें मोर भी शामिल था। विश्व विजेता सिकंदर मोरों का शौकीन था। यूनान लौटते समय वह अपने साथ मोर भी लेकर गया था। प्रसिद्ध चीनी वास्तुशास्त्र फेंग सुई की मान्यताओं में मोर पंख को खतरों और आपदाओं से रक्षा करने वाला माना जाता है। दुनिया भर में लगभग 2000 वर्षों से मोरों को मनोरंजन के लिए या धार्मिक आस्था के चलते पालतू बनाकर रखा जाता है। पालतू मोरों को खुले क्षेत्र में रखना चाहिए, क्योंकि वे खुला स्थान पसंद करते हैं। वन क्षेत्र उन्हें भयभीत कर सकता है। सांपों को पकड़ने और खाने की प्रवृत्ति के चलते गाँव के लोग आमतौर पर मोर पालते हैं। एक प्रकार से मोर गांव के लोगों की सुरक्षा का काम करते हैं। जंगल में मोर बाघ और अन्य जंगली जानवरों से खतरे का सामना करते हैं। वहीं गांव के करीब रहने वाले मोरों को कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों का खतरा रहता है। मोर के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट और कई तरह के सजावटी सामान बनाने में होता है। शिकार और निवास के नुकसान के कारण मोरों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारतीय मोर लुप्त प्राय पक्षी नहीं है। कांगो पीफॉल मोर की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में दर्ज है, जबकि ग्रीन पीफॉल साल 2009 से IUCN रेड लिस्ट में एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
आपको बता दे, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल वन में है। इसके शिकार पर भारत में पूर्णतः प्रतिबंध है। कानूनन जिसके पास भी यह पक्षी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा या 25,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। तो दोस्तों, मोर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मोर के बारे में कौन कौन सी नई बातें आपको सीखने को मिली हमसे साझा करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहे। तो दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। धन्यवाद।